आगे दारू पी के, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? घर में खाने को दाने तक भी नहीं है और तुम्हें चाहिए बस सारा दिन दारू। बदतमीज कहीं की, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने पति परमेश्वर के सामने कैसे बोला जाता है? ज्यादा तेरी जबान को अगर चलाया तूने तो तेरी जुबान खींच लूंगा, जान से मार डालूंगा तुझे। और मेरी बात ध्यान से सुन, तो तूने मेरी बोतल का नशा एक झटके में उतार दिया है। जा रहा हूं मैं ठेके पे दूसरी शराब की बोतल पीने। और ध्यान से मेरी बात सुन, जब तक मैं घर वापस ना आऊं मेरे लिए खाना तैयार रखेगी तो, समझे? पर मैं खाना कहाँ से बनाऊं, घर में तो आटा भी नहीं है। बदतमीज कहीं की, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने पति परमेश्वर के सामने कैसे बोला जाता है? तेरे माँ बाप ने तुझे ये भी नहीं सिखाया? पूरी बोतल का नशा एक झटके में उतार दिया, जा रहा हूं ठेके में दूसरी बोतल पीने। और कान खोल के मेरी बात सुन ले तू, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तू मेरे लिए खाना तैयार रखना, समझी? वरना तेरी खाल खींच लूंगा मैं। खाल? मैं खाना कहाँ से बनाऊं, घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरे सामने फिर से जुबान लड़ा रही है बदतमीज, मुझे कुछ नहीं पता। तू कहीं से भी खाना लेके आ, मुझे खाना मिलना चाहिए, समझी? ये झूठे आंसू मेरे सामने नहीं चलेंगे, समझी तुम? बोलो भाभी जी, क्या काम है? तुम ऐसा करो, इस मंगलसूत्र को ना बाजार में बेच आना, और इसे बेच के जो भी पैसे मिलेंगे ना वो सेठ मदन लाल को दे देना। उनसे कहना कि पिछले वाले जो पैसे बचे हुए हैं ना वो सारे काट ले, और जो पैसे बचेंगे ना थोड़े बहुत उसका राशन ले आना। ठीक है भाभी जी। गुलाबो, ओ गुलाबो, काम मर गई घटिया औरत, बाहर निकल, देख पति परमेश्वर जी आगे घर में, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना ले किया आराम खोर। खाना तो मैं बाद में लूंगा, पहले मुझे तू ये बता, तेरा मंगलसूत्र कहाँ गया? जी वो मैंने वो समझ गया समझ गया, तूने मंगलसूत्र अपने किसी पुराने यार को दे दिया। ये आप क्या बोल रहे हो जी? मुझसे जुबान लड़ाती है, मुझसे जुबान लड़ाती है तू,
एक तो चोरी, ऊपर से सीने चोरी करती है बदतमीज कहीं की। मेरी बोतल का तूने फिर से नशा ही उतार दिया। मैं नाके आ रहा हूँ, चैन से मुझे तो खाना भी नहीं खाने देती इस घर में। अभी तक पटरानी की तरह यहीं बैठी है, गई नहीं तू खाना बनाने? रुक, मैं बताता हूँ तुझे। आज के बाद तूने गुलाबों को यानी मुझे हाथ भी लगाए ना तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी, समझा? बदतमीज कहीं की तू अपने पति परमेश्वर पे हाथ उठाती है तो रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अबे तू क्या मुझे बताएगा, आज मैं तुझे बताऊंगी, तू रुक। अरे तू पागल हो गई है क्या? अपने पति को कोई मारता है क्या पागल? अब बोल, पीएगा तू दारू? नहीं, मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा। कभी दारू नहीं पीऊंगा। अगर आज के बाद तूने दारू पी ना तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी, वो टेले तूने देख लिए, समझा? गुलाबो, मैं कसम खा के बोलता हूँ, आज के बाद मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, कभी भी दारू नहीं पीऊंगा, मैं सात लकीर खींचने को तैयार हूँ। तो फिर मेरा थोपड़ा क्या देख रहे हैं? खड़ा और खींच लकीर। प्रिय दर्शकों, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी तरह तरह के नशों की गिरफ्त में आती जा रही है। और ये नशे हैं शराब, अफीम, स्मैक, बुक्की, चिट्टा, नशे के इंजेक्शन, इनकी गिरफ्त में पूरी तरह युवा पीढ़ी आ चुकी है। इस प्रकार के नशे शरीर को खोखला तो करते ही हैं, साथ ही साथ घर और समाज को भी खोखला करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह के नशे न करें। जीवन है अनमोल, बचा लो नशे का करो निषेध। नशा मुक्ति का है आतिश, हो नशा।